तो गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुकर में चावल बनाकर। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें दाल बनाया था और अभी मैंने चावल डाला है। अच्छे तरह से चावल को धो लीजिएगा आप और इस तरह से डाल दीजिएगा। तो हम देखिए आप इस बर्तन में चावल को डाल के धो लिए हैं, फिर इसको मैं डाल दिए हूँ। अब मैंने 1.5 गिलास चावल लिया है, आप देख सकते हैं इतना चावल 1.5 गिलास है। तो इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे, जिस गिलास से मैंने लिया है उसी गिलास से आप देख सकते हैं भर भर के 3 गिलास पानी डालेंगे इसमें। तो 1 गिलास पानी हो गया और 2 गिलास और अभी डालेंगे। तो इसमें देख सकते हैं मैंने पानी ढार रहा है अपना बोतल में से। दो गिलास हो गया और 1 गिलास और डालेंगे, 3 गिलास पानी डालेंगे। इसके बाद इसको गैस पे चढ़ा देंगे। तो फिर मैंने 1.5 गिलास चावल लिया था और इसमें देखिए आप इतना पानी डाल लिए हैं, 3 गिलास पानी डाल लिए। अब इसको गैस को फ्लेम ऑन करके और गैस पे चढ़ा देंगे। तो मैंने ढक्कन लगाया और इसको अब गैस पे ले जाके चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स चावल बनकर रेडी हो गया है। अभी हम आपको इसको खोल कर दिखाते हैं कि किस तरह से चावल बना हुआ है। तो मैं ढक्कन खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं गैस पूरा निकल गया। इसके बाद इसको खोलें, जैसे खोले फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा चावल पका हुआ है, पूरा एकदम खिला खिला नजर आ रहा है, बहुत अच्छा चावल पका है फ्रेंड। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो भी मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपको पास तुरंत पहुंचे। चलिए फ्रेंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।